नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ मैं हूं प्रभा शर्मा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम का ऐलान, केंद्र ने नहीं दी मुफ्त वैक्सीन तो हम लगवाएंगे दिल्ली वालों को फ्री टीका। टीएमसी नेता केडी सिंह को 16 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। झारखंड शिक्षा विभाग ने जारी किया सरकारी स्कूलों की छुट्टियों का कैलेंडर। 1.62 लाख डोज कोरोना का टीका झारखंड पहुंचा, 16 से टीकाकरण शुरू। जेके मीडिया कप 2021 की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, जिसको लेकर आज यानी 13 तारीख को प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस रखी गई। मकर संक्रांति पर स्पाइडरमैन और डोरेमोन आसमान में उड़ने को तैयार, डिजाइनर पतंगों से सजी दुकानें। अब देखते हैं इन खबरों को थोड़ा विस्तार से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की बात कही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की अपील की थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन नहीं देती तो जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगी। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल हमेशा से लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग करते रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, मैंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पूरे देश में सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए। हम देखते हैं कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। अगर केंद्र सरकार मुफ्त में नहीं करती तो जरूरत पड़ने पर हम लोग दिल्ली के लिए ये वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे। बता दें, दिल्ली के सीएम ने दिवंगत डॉक्टर हितेश गुप्ता के आशीर्वाद अपार्टमेंट स्थित घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सीएम केजरीवाल ने हितेश के परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही। किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है। वही मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। गतिरोध समाप्त करने के लिए कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक समिति बना दी है। वही देश 3 दिन बाद 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। और अब नजर डालते हैं राज्य से जुड़ी कुछ खबरों पर। झारखंड के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें 60 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। आपको बता दें कि पहली बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के साथ साथ प्राथमिक स्कूलों का कैलेंडर राज्य स्तर पर जारी किया गया है। अभी तक इन स्कूलों की छुट्टियां जिला स्तर से होती थी, जिसका निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी करते थे। इस वजह से स्कूलों के कैलेंडर में भिन्नता रहती थी। छुट्टियों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से ही इस बार का कैलेंडर राज्य स्तर पर बनाया गया है। बता दें कि इस बार के कैलेंडर में कई छुट्टियों में कटौती की गई है। जानकारी के मुताबिक इसमें वही अवकाश सुनिश्चित किए गए हैं जो पिछले दिनों माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए तय किए गए हैं। गौरतलब है कि प्राथमिक स्कूलों की छुट्टियां जिले स्तर पर अलग अलग तय किए जाते थे, केवल माध्यमिक और हाई स्कूलों के लिए एक साथ राज्य स्तर पर छुट्टी की घोषणा होती थी। इन स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट शिक्षा विभाग ने पहले ही जारी कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पुणे से बुधवार की सुबह कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रांची पहुंची। झारखंड में पहले चरण के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के 1.62 लाख डोज पहुंचे हैं। इसे जल्द ही राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगामी 16 जनवरी 2021 से झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन विशेष कार्गो विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। राजधानी रांची के नामकुम सेंटर के वेयर हाउस में इसे रखा गया है। पहली खेप में 1.62 लाख वैक्सीन यहां पहुंची है। हालांकि राज्य सरकार ने वैक्सीन स्टोर में 5 लाख कोविशील्ड रखने की क्षमता बताई है। जेके मीडिया कप 2021 की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, जिसको लेकर आज यानी 13 तारीख को प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट राजेश कुमार सिंह, जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जितेंद्र सिंह, सभी मैनेजिंग कमेटी और मीडिया कर्मी उपस्थित थे। अध्यक्ष राजेश सिंह ने 16 जनवरी से शुरू हो रहे जेके मीडिया कप की जानकारी देते हुए कहा कि जेके मीडिया कप में 12 टीमों का गठन किया गया है।
जहां सभी मैचेस BAU कैंपस और JK इंटरनेशनल अगड़ू के ग्राउंड पर होंगे। 16 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम उपस्थित रहेंगे। वहीं वहां पर उपस्थित स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन पिंटू दुबे ने आगे बताया कि टोटल 4 ग्रुप बनाए गए हैं और हर ग्रुप में 3 टीमें हैं। JK मीडिया कप के स्पॉन्सर जितेंद्र सिंह ने बताया कि JK मीडिया कप को मिनी IPL का प्रारूप दिया गया है, जहां टीम के खिलाड़ियों को हर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ JK न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।